हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैंने ये लुक क्रिएट किया है आप लोगों के लिए, बिकॉज़ फेस्टिव सीजन आ रहा है एंड वेडिंग सीजन भी आ रहा है, तो आप लोगों की यही डिमांड होती है कोई इजी मेकअप ट्यूटोरियल बताओ। तो आज मैंने बहुत ही इजी तरीके से ये मेकअप लुक क्रिएट किया है, और इस मेकअप में जो जान आई है वो है लिप शेड से। तो लिप शेड मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है, बट अगर आप लोग एंड तक देखोगे और मेरी वीडियो को लाइक करोगे और शेयर भी करोगे और कमेंट करोगे, तो डेफिनेटली मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों को इसका शेड ज़रूर बताऊंगी। सो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो वो तो डेफिनेटली कर लो, अगर आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करोगे, सो दैट मैं आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो ट्यूटोरियल्स लेके आती रहूँगी। सो एन्जॉय माई वीडियो। तो अभी जस्ट मैं अपना फेस वॉश करके आई हूँ, मैंने अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है, ठीक है। सो मैं बस एक ही चीज़ आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूँगी, ठीक है। मैं एक ही स्किन केयर में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ जो ऑल स्किन टाइप है और ऑल इन वन प्रोडक्ट है। सो ये है, आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। स्नेल का है ये, कॉसरेक्स ब्रांड है उनका, है एडवांस स्नेल 9 to ऑल इन वन क्रीम। सो इसका फॉर्मूला देखना, आई थिंक ये इतना ही काफ़ी है। ये जैसे स्पाइडर होता है ना, स्पाइडर बहुत ही स्मूथ कर देगा, बहुत अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देगा, सो दैट आपको कोई भी अलग से मॉइस्चराइजर वगैरह लगाने की नीड नहीं होगी। यू कैन सी जितना अच्छे से आप अपनी स्किन को प्रेप करोगे उतना ही अच्छा आपका बेस निकल के आएगा। एक तो ये नेल्स, इनसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैं अच्छे से मसाज करके आती हूँ। तो मैंने अच्छे से अपने स्किन पे मसाज कर ली है। इसके बाद अब हम यूज़ करेंगे डार्क कलर करेक्शन, कलर करेक्टर फॉर माय डार्क एरिया, लाइक जैसे थोड़ा सा पिगमेंटेड होता है हमारे स्किन यहाँ से। तो मैं आईज पे करूँगी एंड लिप्स पे करूँगी। आज मैं थोड़ी नर्वस हो रही हूँ, आई डोंट नो वाई, बहुत दिनों बाद शूट कर रही हूँ मैं भी इसलिए। एनीवेज, आपको कोई भी डार्क कंसीलर लेना है, सो हेयर आई एम यूजिंग रिकोड का शेड 10 05 10 10। ये मेरे स्किन से थोड़ा सा डार्क है, दैट्स इट। मुझे और ज़्यादा कहीं पिगमेंटेशन नहीं है। सो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत जल्दी जल्दी वो करूँ। कौन है? तो सबसे पहले हमको ये ब्लेंड करना होगा। आप कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो जो भी आपके पास है। मैं यहाँ पे ये सिलियोस से मैंने लिया था, और बहुत ही अमेजिंग इसका साइज़ देखो, बाकी ब्यूटी ब्लेंडर से काफ़ी अलग है। एंड अपने डार्क सर्कल्स को कवर करेंगी। आप कोई भी डार्क कंसीलर ले सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल होगा। नेक्स्ट स्टेप इज़ फाउंडेशन। सो फाउंडेशन भी यहाँ पे मैं रिकोड का यूज़ कर रही हूँ। ये शेड मैंने आई डोंट थिंक मैंने यूज़ किया है, मेरे पास पड़ा हुआ था, इंद्रप्रस्था, इंद्रप्रस्था ही है ना, हाँ 02। एंड लेट्स सी कैसा फाउंडेशन है, मैं आप लोगों के सामने ही इसको रिवील कर रही हूँ। मैं ना जो भी न्यू प्रोडक्ट्स लेती हूँ, मैं हमेशा यूट्यूब पे सोचती हूँ कि मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर करूँ अपने ऊपर यूज़ करके। नाइस, ओके। थोड़ा सा ड्राई है, सो मेरे को पसंद नहीं है इतने ज़्यादा ड्राई। ऑलरेडी माई स्किन इज़ ड्राई, बट इट्स ओके, मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और ये बहुत ज़्यादा वाइट भी नहीं जा रहा है मेरे स्किन टोन से ना, इतना बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक टोन तो मैं वैसे भी वाइट फेयर यूज़ करती हूँ।
एक्चुअली में बहुत ड्राई है, लाइक सीरियसली ऐसा तो नहीं रखा रखा हो गया वो। सो गाइज मेरा फाउंडेशन अब अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। ऑल्सो मैं ये टिप देना चाहूँगी आप लोगों को कि एक सेकेंड प्रशांत मैं वीडियो बना रही हूँ। ओके सो मैं क्या बोल रही थी, मैं बोल रही थी कि ये फाउंडेशन अगर जिसकी ऑयली स्किन है तो वो डेफिनेटली यूज़ करे, उनके लिए बेस्ट है। कवरेज बहुत अच्छी है, यू कैन सी कवरेज तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मुझे नहीं लगता मुझे कंसीलर की नीड है, बट इट्स ओके हम यूज़ करेंगे बिकॉज मेरे को थोड़ा सा ग्लैम मेकअप चाहिए। कंसीलर ये मेरा करंट फेवरेट है, ये सिफोरा से नहीं शॉपरेल से, सॉरी। ये एरिया है जिन पे थोड़ा थोड़ा मुझे ब्राइटनेस चाहिए अपने फेस पे, टी जोन, एंड दैट्स इट। अब मेरा ब्लेंडर, अब मैं इसका ब्लेंड कर लूँगी जल्दी से। बाकी फाउंडेशन इतना अच्छा है कि अगर आप कंसीलर ना भी यूज़ करो तो भी चलेगा। अगर आपको नहीं ओवर वो चाहिए थोड़ा सा वाइटिश, बट मेरे को पसंद है कि थोड़ा फेयर हो, बिकॉज थोड़ी देर बाद हमारा फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो ही जाता है, सो दैट्स वाई। बाकी मेकअप हम सटल रखेंगे अपना, लाइक जो भी मैं अपना आई मेकअप करूँगी, बट मैं सोच रही हूँ कि आज मैं बोल्ड लिप्स करूँ, सो आई होप वो अच्छे लगे, बिकॉज आपने देखा होगा मैं बोल्ड लिप्स करती नहीं हूँ। कोई ज्वाइन है, कोई ज्वाइन है। मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बना रही हूँ और यहाँ पे प्रशांत अपने यूट्यूब पे लाइव है और वो सिर्फ मुझे दिखा रहे हैं। मुझे YouTube पे लाइव का पता नहीं है, जैसे पता चलता है मैं भी YouTube पे लाइव आने का ट्राई करूँगी। इंस्टा पे तो आप सब लोग मुझे ज्वाइन करते ही हो, बट YouTube पे भी करोगे तो मैं YouTube पे भी ज़्यादा एक्टिव रह पाऊँगी। ओके सो अब मैं यूज़ करूँगी ब्लशर। ब्लशर के लिए ये रेवोल्यूशन का है, वैसे ये ग्लॉस है, टिंट टाइप कुछ में है, और बट इसको मैं एज अ ब्लशर यूज़ करूँगी। बहुत ही सॉफ्ट लुक देगा ये, मैं करती हूँ इसे यूज़। ज़रूरी नहीं है कि आपको लिक्विड ब्लश अलग से लेना हो, सो जो भी प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल है आप उनसे भी एक बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हो। कितना अच्छा ग्लो भी आ रहा है, सी एंड इसके बाद अब हम अपने बेस को सेट करेंगे। बेस सेट करने के लिए मुझे बहुत कंफ्यूजन होती है क्योंकि मैं मोस्टली लूज पाउडर्स यूज़ करती हूँ, बट अब मेरा थोड़ा सा चेंज हो चुका है, मैं कॉम्पैक्ट्स ज़्यादा यूज़ करने लगी हूँ, सो यहाँ पे भी मैं कॉम्पैक्ट ही यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं यूज़ करूँगी अपना कलर बार का कॉम्पैक्ट जो कि मेरा करंट फेवरेट है, एंड द शेड नेम इज 0002 न्यूड बीच। एंड इसको आप किसी पफ की हेल्प से, ब्लेंडर की हेल्प से और ब्रश की हेल्प से कैसे भी जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। सो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसी की हेल्प से अपना बेस भी लॉक कर लेती हूँ। यू कैन सी ये कितना ज़्यादा खाली हो चुका है क्योंकि मैं इसे डेली यूज़ करती हूँ और ये बहुत अमेजिंग है। डेली मैं मेकअप नहीं करती हूँ, मॉइस्चराइजर किया और मतलब सनस्क्रीन, एंड उसके ऊपर सिर्फ मैं अपना कॉम्पैक्ट यूज़ कर लेती हूँ। ये बहुत अच्छी कवरेज दे देता है एक फेस को भी, अगर आप डेली बेस में नहीं फाउंडेशन वगैरह यूज़ करना चाहते हो, बिकॉज मेरे को तो पसंद नहीं है डेली इतना ज़्यादा मेकअप करना।
बेशक मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ बट मेरे को नहीं पसंद अपने ऊपर ये वीडियो। मेरी अपकमिंग ब्राइड्स टू बी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपको डेली मेकअप करना होगा क्योंकि मुंह दिखाई वगैरह पे, सो आप ये मेकअप कर सकते हो। एंड माय बेस इज डन। एंड पहले मैं बेस पूरा कंप्लीट ही कर लेती हूँ। चलो मैं ब्लशर भी साथ में लगा ही लेती हूँ। सो यहाँ पे मैं अपना के ब्यूटी का ब्लशर, आपने मेरी इंस्टा वीडियोस पे भी देखा होगा, मैं ये ब्लशर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ आजकल। एंड द शेड इज सॉफ्ट न्यूड। एंड सी माई ब्रश बॉक्स, ये मुझे अमेजोन से पड़ गया था, बहुत सस्ता। ये 1200-1200 में भी आ रहा था और कुछ 300 वाले में भी आ रहा था, और सेम क्वालिटी में मुझे 300-400 में पड़ चुका था। एंड आई वाज लाइक इतना सस्ता और इतना अच्छा। एनीवेज यहाँ पे मैं बहुत ही लाइट सा ब्लशर यूज़ करूँगी। वैसे मुझे ब्लशर बहुत पसंद है बट पता नहीं क्यों, जब मैं अपने ऊपर करती हूँ तो मुझे अपना फेस थोड़ा डार्क लगता है, तो मैं अपनी ब्राइड्स के ऊपर तो भर भर के करती हूँ। दैट्स इट। अब हम लेंगे ब्रॉन्जर, मैं नहीं करूंगी ठीक है, मुझे थोड़ा सटल लुक चाहिए, इतनी ज़्यादा कॉन्टोरिंग की नीड नहीं है। माई फेस इज ऑलरेडी वेरी शार्प नाउ। सो मैंने इसमें से ये पैलेट, मुझे नहीं पता मैंने कहाँ से लिया सीरियसली, बट ये बहुत अच्छी क्यूट सी पैलेट है। इसमें वही कलर है जो मैं यूज़ करती हूँ अपने ऊपर। एंड फर्स्ट शेड मैं ये बिल्कुल लाइट लाइट न्यूट शेड में यूज कर रही हूँ। बहुत ही सटल आई मेकअप मैं रखने वाली हूँ अपना। आपने मेरे ऊपर कभी लाउड आई मेकअप देखा भी नहीं होगा बिकॉज मैं करती ही नहीं हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है, मुझसे होता ही नहीं है। दैट्स इट। एंड अब इसके बाद मैं थोड़ा सा बस ब्रश में अभी यही यूज़ करने वाली हूँ ठीक है। ये दो कलर लिए, थोड़े से डार्क है, एंड सिर्फ इनर आउटर कॉर्नर पे आपको अप्लाई करने। सिर्फ थोड़ा सा यहाँ से हल्का सा ही डार्क करना है, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल डार्क इसको कर लो और आपकी आईज बहुत काली काली हो जाए। और मैं थोड़ा सा बाहर की साइड भी अपना ब्रश चलाती रहती हूँ जिससे वो कैट आईज वाला लुक आए। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया मेरे लिए, लाइक मेरे को बहुत न्यूड पसंद है। सो वही उसको अब मैं मर्ज कर दूंगी। दैट्स इट, मर्ज हो चुका है। नाउ आपको कोई भी शिमर अगर अप्लाई करना है सब अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको मैट रखना है तो आप मैट भी रख सकते हो। सो मैं थोड़ा सा ये गोल्डन एंड कॉपर शेड है यहाँ पे ठीक है, मैं ये अप्लाई करूंगी अपने दिख रहा है सबको। ये देखो कितना सुंदर सा वो हो चुका है, एक शेड आ गया। मुझे आईज पे शिमर्स बहुत पसंद है, आपने देखा होगा मैं अपने ब्राइड्स को भी भर भर के शिमर्स यूज करती हूँ आईज पे। एंड एक अलग से ना ऐसा लगता है कि आपने लाइक अगर आप खुद भी घर पे अगर नॉर्मल मेकअप कर रहे हो, बस एक शेड लगाओ और शिमर लगा लो, तो ऐसा लगेगा कि आप कहीं बाहर मेकअप स्टूडियो से रेडी होके आए हो। ओके दैट्स इट। नाउ आई एम गोना ब्लेंड एक बार एजेस को
ब्लेंड कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, अब हम अपने यहाँ पे भी मैं बहुत कम आई शेडो यूज करूंगी, लोअर लैश पे। कि वो जो थोड़ा खाली खालीपन होता है ना वो ना दिखे बस, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो जिसको बहुत ज्यादा नेचुरल चाहिए, बट इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा वो शेडो आ रही है, मैंने कहा यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, वो शेडो से कुछ लग रहा है। एंड इसके बाद हम यूज करेंगे अपना आईब्रो, यूज करेंगे अपना आईब्रो नहीं, आईब्रो क्या बोल रही हूँ मैं, यूज करेंगे आईब्रो फिलर फ्रॉम एल्फ। ये एल्फ का था, यस आईब्रो पेंसिल है जो भी मेरी, ये एल्फ की है एंड द शेड इज डार्क ब्राउन। मे बी मैं जो भी आईब्रोज के लिए यूज करती हूँ वो डार्क ब्राउन ही लेती हूँ। एंड थोड़ा थोड़ा इसको फिल करेंगे, एंड 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 मेरी थ्रेडिंग थोड़ी सी पतली हो गई इस बार, बट मुझे अच्छी लग रही है। ये वाली थोड़ी सी मोटी कर दी आंटी ने, बट इट्स ओके। ऐसा लग रहा है दोनों शेप मेरी आईब्रोज की अलग है, ये थोड़ी सी राउंड में है और ये थोड़ी सी कर्व में है। दैट्स इट। एक बार इसको थोड़ा सा हम स्पूली की हेल्प से मर्ज कर लेंगे, जहां पे कभी आपको लग रहा है कि ज्यादा हो गया है, सो ये इसके लिए दिया जाता है कि आप वहीं उसको ब्रश कर दो एंड वो इवन हो जाए फिर। ओके सो अब हम यूज करेंगे अपना मस्कारा, एंड माय फेवरेट मस्कारा इज फ्रॉम मार्स। मैं बहुत ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स में आज जा रही हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को भी ज़्यादा परेशानी ना हो, और मैं वैसे भी अपने लिए थोड़े ड्रग स्टोर ही यूज़ करती हूँ। अगर मुझे नॉर्मल मेकअप करना हो, अगर मैं किसी पार्टी वगैरह में जा रही हूँ, तो मैं फुल ऑन हाई एंड यूज़ करती हूँ। तो ये मस्कारा आपको नायका पे मिल जाएगा और ये बहुत अच्छा है, इवन मैं इसको डेली बेसिस पे भी यूज़ करती हूँ। अगर मैं विदाउट मस्कारा चली जाऊँ ना स्टूडियो पे, लड़कियाँ बोलती हैं मैम आपकी तबीयत खराब है क्या? लाइक कुछ लोगों को लाइनर का बहुत शौक होता है, बट मेरे को मस्कारा। ये थोड़ा खत्म हो चुका है वैसे, तो इसमें अब कम कम प्रोडक्ट आ रहा है, बट ठीक है। ऑल्सो मुझे ना आप काफी लोग पूछेंगे कि मेरे लेंस कौन से हैं, तो मैं नहीं बताऊंगी जब तक आप लोग मुझे कमेंट नहीं करके पूछोगे। कमेंट्स में पूछो, मैं सबको रिप्लाई दूंगी। यहाँ पे लेंस शेड मैं वीडियो में नहीं रिवील करूंगी, ये मैं रिवील करूंगी अपने कमेंट सेक्शन में। सो मुझे जल्दी से कमेंट करो। सो माय ऑलमोस्ट मेकअप इज डन, एंड यहाँ पे मैं यूज करूंगी, मुझे काफी लोग पूछते हैं कि एक ऐसा लिप लाइनर बताओ जो हम कोई भी लिपस्टिक लगाए और वो सूट करे उसके ऊपर। सो ये एक लिप लाइनर है, ये बहुत अच्छा है। दिस इज फ्रॉम के ब्यूटी एंड द शेड इज फेम। ये बहुत ही प्यारा लिप लाइनर है, लिप शेड बोल रही थी मैं। गाइस मेरे घर के कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हैं,
वो मेरे को वीडियो नहीं शूट करने दे रहे हैं। मैं पति के लिए समझू यहाँ पे मैं कोका और मेरे हस्बैंड की बात कर रही हूँ। ये हो चुकी है हमारी लिप लाइनिंग। मुझे ऐसा लग रहा है जिससे मैंने मूछें लगाई हो। अभी मेरा मेकअप डन है बट मैं लिप शेड के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ। मुझे ये कंफ्यूजन हो रही है कि मैं न्यूड लगाऊँ या डार्क लगाऊँ। बिकॉज न्यूड लगाऊँ, डार्क नहीं लगाऊँ। प्रशांत अच्छा बोल रहे कि न्यूड लगा। फिर मैं थोड़ा सा इसको देखती हूँ। नाइस नाइस। हाँ गाइस, साथ ही ओके साथ okay. चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है? लाइक शेयर सब्सक्राइबर, इसका चैनल नहीं, मेरा चैनल। ओके दिस इज अमेजिंग। सालों पर तुमको लाइव आएगी मेरी स्ट्रीम पे। बहुत प्यारा शेड है। एंड अब मैं ये शेड आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगी, इसके लिए भी आपको कमेंट करना पड़ेगा। OMG, आई एम लुकिंग गॉर्जियस सीरियसली। बहुत प्यारी लिपस्टिक है एंड मुझे तो प्यार हो गया भाई इससे। ओके सो अगर आपको लिप लाइनर यूज़ करना है, सॉरी लाइनर यूज़ करना है तो आप लाइनर यूज़ कर सकते हो, नहीं करना है नहीं कर सकते हो, लैशेज यूज़ करनी है, इट्स ऑल अप टू यू गाइज, इट्स ऑल अप टू यू। तो मेरा मेकअप डन हो चुका है एंड मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। ये करवा चौथ पे मैंने क्यों नहीं किया, बट ये करवा चौथ लुक है जो, कोई बात नहीं, आप इसको सेव करके रखना। आपको हर बार ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक, बट दिस इज़ नॉट द फाइनल लुक। मुझे अभी अपनी आउटफिट चेंज करना है, सो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे लगूंगी। और जल्दी से प्लीज़ कमेंट करके बताओ, और जिन लोगों को कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ आप कमेंट करो, मैं सबको रिप्लाई दूंगी। एंड यस गाइज, दिस इज द फाइनल लुक एंड मैंने ये बहुत ही सुंदर सी झुमकी पहनी है। ये मैंने ली थी लाजपत नगर से एंड ये साड़ी मुझे मिली है कोलैबोरेशन में, बट ये बहुत सुंदर साड़ी है। ये आपको मैं पेज यहाँ पे नहीं बताऊंगी, उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, और इंस्टाग्राम पे मेरी रील्स में देखना, मैं उनके साथ कोलैब में ये रील डालूंगी साड़ी की। एंड दिस इज द माई फाइनल लुक, कैसा लग रहा है जल्दी से कमेंट करके सब बताओ।